यार कितना ये क्या देखो पैसा है यार, ये क्या रहा पैसा, गाड़ी की डिग्गी में और भर के भाई डैशबोर्ड, इनकी बहन जो इतना थी ना वो लेना डैशबोर्ड में रखती थी भर के, ये डिग्गियों में पैसा भर के रखते हैं भाई। अगर नहीं पसंद आया तो ये रहा उसके 5 लाख रुपए, अच्छा ये मैं उसको दे के भेज दूंगी, अगर पसंद आ गया तो रातों रात हम निकल जाएंगे दुबई। दुबई उसको लेके, हाँ, लड़के को दुबई लेके निकल जाओगे? जिस लड़के से मैं शादी करूंगी ना उसको मेरा मतलब सारे बंगले मिलेंगे, हाँ, और जो दुबई पापा क्लब खुलवा रहे हैं वो भी उसका हो जाएगा, ठीक है, और सारा पैसा उसका हो जाएगा मेरा, ठीक है, और मेरी 7 सीटर जो कार, हाँ, जो गाड़ी वो भी दिलाई थी उसकी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, मतलब बस ये है कि वो मुझे प्यार दे। अच्छा, हाँ, जब आपको जरूरत हो तब आपके पास हो। कोई जरूरत नहीं है दारू पीने वाला, हो दारू पी ना, दारू से कोई दिक्कत नहीं है कि ठेका तो है अपना। कितना महंगे कितने 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 नशे कर लेगा, लाखों रुपए का नशा कर सकता है ना, मैक्सिमम 10 लाख का नशा कर लेगा, कर ले। ज्यादा से ज्यादा स्टार भेजना, क्योंकि भाई जो ज्यादा से ज्यादा स्टार भेजते ना वो हाईलाइट हो जाता है और हमको ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो भाई हम आए आज फिर से मैडम के पास, मैडम ने बुलाया था। नमस्ते मैडम, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ मैडम, आज तो बड़े खुश लग रहे हो कि लड़का मिल गया क्या आपको? हाँ, लड़का तो मिल चुका है, बस 2 घंटे में आ रहा मिलने के लिए। अच्छा, 2 घंटे में आ रहा है मिलने? अच्छा, इसलिए आपने मुझे बुलाया था कि और क्या? तो अच्छा ठीक है, बढ़िया, वाह यार मैडम मजा आ गया। मतलब चलो सुन के, और बताओ आप कैसे हो? बस मैडम अच्छा हूँ मैं, आप बताइए कि भाई आगे क्या प्लानिंग है आपकी? मेरी ये प्लानिंग है कि भाई लड़का, मैं पहले बता दूं, हाँ, मैंने उसको कांटेक्ट की थी क्योंकि उसने ज्यादा ज्यादा स्टार दिए थे, हाँ, अच्छा, तो 2-3 घंटे तक हाईलाइट रहा था। कमेंट, मैंने कहा चल फिर, मैं कोई बात नहीं, मैं इससे बात बात करती हूँ, मेरे को बात करने पे अच्छा लगा। अच्छा, हाँ, फिर मैंने कहा चल कोई नहीं तू आ, मैंने आज के दिन उसको मिलने के बुलाया, वो 2 घंटे में आ ही रहा है मेरे पास, ठीक है। अगर नहीं पसंद आया तो ये रहा उसके 5 लाख रुपए, अच्छा, मैं उसको दे के भेज दूंगी, अगर पसंद आ गया तो रातों रात हम निकल जाएंगे दुबई। दुबई उसको लेके, हाँ, लड़के को दुबई लेके निकल जाओगे? हाँ, पासपोर्ट है? पासपोर्ट है उसके पास? पासपोर्ट नहीं भी है तो क्या हो गया, पैसा पैसा तो है ना, पैसे से पासपोर्ट रातों रात बन जाएगा। तो भाई मैडम ने इतना सारा पैसा गिरा के रखा हुआ कि आ भाई अगर पसंद नहीं आया तो जितना उठा सकता उतना उठा, लेके जा, लेके चला जाए, टेंशन नहीं लेनी है ना मैडम, लेने किसी भी बात की, टेंशन लेके क्या करना है, टेंशन लेके क्या करना है यार। मतलब मैडम इतनी प्यारी लगती है जब लैंग्वेज मतलब बात करती है, तो अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा प्यारे और सुंदर हो आप। अच्छा मैडम ये बताइए, लड़का पसंद नहीं आया तो लेके चला जाएगा और क्या? तो फिर अगर लड़का अगर मेरे को पसंद आ गया तो भाई सब कुछ उसके, जैसे कि सब कुछ है, जैसे कि मेरा फार्म हाउस हो गया, मेरी गाड़ी हो गई, मेरा पैसा हो गया, हाँ, मेरे बंगला हो गया, मेरा ठेक का दारू का, और जो भी दुबई में पापा, जो भी दुबई में पापा क्लब खुलवा रहे हैं वो भी उसका हो गया। ओह अच्छा, ये तो मुझे पता नहीं, दुबई के अंदर क्लब जो पापा खुलवा रहे हैं वो, हाँ, भी उसके नाम, तो भाई दुबई की प्रॉपर्टी भी उसके नाम हो जाएगी। ये देखो कितना कॉन्फिडेंस है कि हाँ सब कुछ हो जाएगा उसका। ये है कि लड़का लॉयल हो, अच्छा, हाँ लड़का लॉयल हो, मेरे को मेरी हैप्पी लाइफ दे सके, ये नहीं है कि प्रॉपर्टी से प्यार रखकर। चलो मैडम मैं एक चीज और पूछ लेता हूँ, अगर लड़का पसंद आया तो आपकी रिक्वायरमेंट तो रहेगी ना शादी के लिए, आप दोबारा भी आओगे दुबई से ना? एक बार ना मुझे कुछ ना लोग नए हैं तो आप बता दो भाई आपको कैसे हस्बैंड चाहिए, क्या जरूरत है सब चीजें। मैं जब आऊंगी वापसी दुबई से, हाँ, तो मैं जब रिक्वायरमेंट डालूंगी तो भाई मैं अभी भी यही बोल रही हूँ कि लड़का लॉयल हो, ठीक है, लड़का लॉयल हो, लड़का अच्छा हो काफी, ठीक है, मेरे को उससे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि अपना हमारे पास सब कुछ है, अपना हमारे पास पैसा है, हमारी गाड़ी है, ठीक है, मेरा फार्म हाउस भी आपने देखा ही है, बाकी और बाकी मेरे जो 7-8 घर बस, हाँ, सात आठ घर ऐसे नहीं होता कि 7-8 घर है, 7-8 घर तो बहुत होते हैं मैडम, है। सब कुछ उसका ही हो जाएगा, हाँ सब कुछ उसका ही हो जाएगा। अच्छा मैडम एक बार जल्दी से बता दो कि जिस लड़के से मैं शादी करना चाहती हूँ उस लड़के के अंदर ये मेरी जरूरतें पूरी करे, ये मिलेगा, इस तरीके से बता दो एक बार। अच्छा, जिस लड़के से मैं शादी करूंगी ना उसको मेरा मतलब सारे बंगले मिलेंगे, हाँ, और जो दुबई पापा क्लब खुलवा रहे हैं वो भी उसका हो जाएगा, ठीक है, और सारा पैसा उसका हो जाएगा मेरा, ठीक है, और मेरी 7 सीटर जो कार, हाँ, जो गाड़ी भी दिलाई थी उसकी हो जाएगी। अच्छा मतलब ये है कि वो मुझे प्यार दे। अच्छा, हाँ, जब आपको जरूरत हो तब आपके पास हो। हाँ, दारू अगर पीने वाला हुआ तो? कोई जरूरत नहीं है दारू पीने वाला, हो दारू पी ना, दारू से कोई दिक्कत नहीं है कि ठेका तो है अपना। हाँ, और नशा करता होगा मैडम किसी और चीज का? चलेगा, सब चलेगा, पैसा तो है ही, कितना महंगे कितने 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 नशा कर लेगा, लाखों रुपए का नशा कर सकता है ना, मैक्सिमम 10 लाख का नशा कर लेगा, कर ले कोई जरूरत नहीं, 10 लाख का नशा कर भाई मैं कराऊंगी, है ना, बस मुझे चाहिए कि बस लॉयल रहे। अच्छा कास्टिज्म मैडम, कास्ट कोई होनी चाहिए? कास्ट से कोई मतलब नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। उम्र? उम्र 30-40 भी चल जाएगी। अमीर गरीब? अरे अमीर गरीब क्या देख रहे हैं, अमीर तो हम खुद है, गरीब मिल जाए तो और अच्छा है, है ना, और क्या भाई, गरीब मिल गए, गरीब मिल जाए ज्यादा अच्छा क्योंकि उसकी लाइफ सुधर जाएगी। और बच्चे बच्चे हुए तो उसके कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया यार, बच्चे तो भगवान का रूप, भगवान का रूप है। ये देखो भाई मतलब कितनी प्यारी स्माइल है मैडम की, देखना। और बताओ
बस मैडम हम तो मतलब फिर वो आता ही होगा 2 घंटे बाद चलते हैं, फिर मिलते हैं, देखते हैं लड़का तो कैसा है। मैं भी बनाऊं वीडियो। हाँ, आप भी चलना। चलो, और वीडियो में तो जरूर दिखाना कि भाई एक बार पैसा उठा के ऐसे दिखा दो मैडम कि मतलब ये क्या उठा के दिखाओ, ये देखो यार कितना ये देखो पैसा यार, ये क्या पैसा, गाड़ी की डिग्गी में भर के भाई डैशबोर्ड, इनकी बहन जो थी ना वो डैशबोर्ड में रखती थी भर के, ये डिग्गियों में पैसा भर के रखते है भाई, अंधा पैसा अंधा। ठीक है भाई, तो मैडम 2 घंटे बाद मिलेंगे, उसको पैसा चाहिए होगा ना। अरे मैडम लेके चाय इतना उठा, दोनों हाथों से उठाए, चार हाथों से उठाए, कैसे बिठा ना ये, अपनी जितनी जेब है ना उतनी भर ले, कोई कमी नहीं है मेरे को तो। चलो ठीक है भाई, 2 घंटे बाद मैडम मिलता हूँ मैं, ठीक है ना। ओके, 2 घंटे तो भाई स्टार भेजना है, बता दो कमेंट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा स्टार भेजना, क्योंकि भाई जो ज्यादा से ज्यादा स्टार भेजते ना वो हाईलाइट हो जाता है और हमको ढूंढने में आसानी हो जाती है। हम उनसे फिर आप उनसे जल्दी से कांटेक्ट करोगे, हम जल्दी से कांटेक्ट कर लेते हैं, और शेयर भी करना वीडियोस को, प्लीज शेयर शेयर से भी शेयर भी करना और स्टार ज्यादा से ज्यादा भेजना। ठीक है, चलो मैडम मैं 2 घंटे बाद मिलता हूँ ना। ओके।